Assalamu alaikum everybody, your favorite senior is here. Today we are going to discuss the markings of chapter number 6 from BD Chaurasia. Let's go to our topic. Guys, chapter number 6 काफी important है. यहां से तकरीबन हर बारी UHS से UQ आता है, most probably. और आपसे स्टेज में भी यहां से यानी कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके अलावा सब स्टेजेस में भी आ सकते हैं. It is the most important chapter of the upper level. So, let's discuss it. इट्स मार्किंग्स इंट्रोडक्शन जस्ट रीड करना है. सर्फिस लैंडमार्क्स जो हैं ये क्रॉस करने हैं, ये नहीं करने. आफ्टर दैट मसल्स ऑफ द स्कैबुलर रीजन के फीचर्स नहीं करने और ये पैराग्राफ को क्रॉस करने. नाउ ये टेबल अटैचमेंट्स ऑफ द मसल ऑफ द स्कैबुलर रीजन ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम 2020 में ये क्वेश्चन आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपने KLM से करना है, ठीक है. ये यू क्यू है एंड आई राइट हियर एंड दिस पैराग्राफ्स ये नहीं करना है. आपने इंसर्शन डेल्टॉइड का दिया हुआ, वो आपका वहाँ से ही हो जाएगा, ठीक है. डेल्टॉइड का जो एक्शन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप कीजिएगा, KLM से ही कीजिएगा. एंड स्ट्रक्चर्स अंडर द कवर तो डेल्टॉइड आपने करने हैं. यहाँ से MCQs आ सकते हैं, ओके. यहाँ पर आप राइट कर दें MCQs. बोन्स कौन सी होती हैं अंडर द कवर द डेल्टॉइड, मसल्स कौन से होते हैं, ठीक है. इनका ओरिजिन सेशन ना करें आप, जस्ट इनके नेम्स याद करें, ठीक है. मसल्स अंडर द कवर द डेल्टॉइड एंड देन वेसल्स नर्व्स भी करना है, जॉइंट्स एंड बुर्सा. बुर्सास के नेम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है आपको. क्लिनिकल डेल्टॉइड से रिलेटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप यू क्यू मार्क कर दें. ये आप से स्टेज में या सब स्टेजेस में ज़रूर पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर UHS पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्लिनिकल क्वेश्चंस, जैसे कि आपको पता है UHS मोर देन 40-50% क्वेश्चंस जो है क्लिनिकल टाइप देती है, तो उनमें से इसके आने के चांसेस काफ़ी हैं. आफ्टर दैट मस्कुलोक्यूटेनियस कफ ये भी करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट के इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्विंग द स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट, तो उनमें एक फैक्टर होता है मस्कुलोक्यूटेनियस कफ. तो ये आपने करना है. 2021 का क्वेश्चन है ये, UHS ने पूछा था लास्ट टाइम, ठीक है. सबक्रोमियल बुर्सा आपने करना है, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ओके. एंड इसकी सिग्निफिकेंस भी आपने करनी है, ये इम्पोर्टेंट है. इंटरमस्कुलर स्पेसेस दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. आई आल्सो टोल्ड यू, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये चैप्टर जो है यू क्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. UHS इंट्रोडक्शन आपने रीड करना है और ये जो क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस हैं ये आप रट्टा लगा लें इनका, जैसे मर्जी करें, आपने इसे याद करना है. ये दिस इज़ द स्टार यू क्यू, ओके. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अपर ट्रायंगुलर स्पेस, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, ये सारा करना है आपने, ठीक है. और ये डायग्राम मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ये डायग्राम बनाना सीख लें, बिकॉज वैसे डायग्राम आती तो नहीं है, UHS ने कभी नहीं दी ग्रॉस से, लेकिन ये है कि आप जब ये डायग्राम बना लेंगे ना, बेशक स्कैपुला को आप ना बनाएं, जस्ट ये मसल्स. मैं तो ऐसे करता था कि ह्यूमरस बना दी, ठीक है, साथ में ये मसल आ गया और टीरिस माइनर और टीरिस मेजर आ गए, तो इस तरह से मैं डायग्राम करके बना लेता था अपने हाथ पर या स्टिकी नोट्स पर, तो मुझे याद रहता था कि कौन सी स्पेस कहाँ है, उसके बाउंड्रीज क्या हैं, कंटेंट्स क्या हैं. तो आपने ये याद करनी है ये डायग्राम, ठीक है ना, इसके कंटेंट्स और क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस एंड ट्रायंगुलर स्पेस. एंड नाउ एक्सिलरी नर्व इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने पीछे क्लिनिकल डिस्कस किया था. तो इसके आपने ओरिजिन, ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कोर्स याद करना है. कोर्स ज़्यादा नहीं करना होता, काफ़ी लोग काफ़ी डीप करते हैं, कौन से मसल्स में से पास हो रही है, सारा इतना नहीं करना आपने, थोड़ा सा कोर्स याद करना है ऊपर ऊपर से. उसके बाद नर्व सप्लाई एंड इट्स ब्रांचेस, ओके, वेयर इट्स प्लाइज
और ब्रांचेस के आपने नेम्स करने हैं। रिलेशंस नहीं करने, यहाँ से आपने सिर्फ ब्रांचेस के नेम्स एंड देयर नर्व सप्लाई एंड देन एनास्ट्रोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड एनास्ट्रोमोसिस और द एक्रोमन प्रोसेस, ये भी आपने करना है। कौन कौन सी आर्टरीज पार्टिसिपेट कर रही होती हैं ये भी आपको बताओ, एंड दिस क्लिनिकल यू हैव टू डू टू।